हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल राधा मनोज ऑफिशियल ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नया रेसिपी लेके आ गई हूँ, वो भी अभी सुबह का टाइम है। अभी कितने 8:30 बज हो रहे हैं। करूँगी आप लोग के बीच। ये देखिए, ये गोभी का सब्जी है, ये गोभी का सब्जी है, आप देख रहे हैं। मैं गोभी को फ्राई कर लेती हूँ, गरम से मतलब फ्राई करेंगे हम लोग, इसे भून लेंगे। ये देखिए मैंने तेल रख दिया, आज गोभी क्या सब्जी और सतुआ वाला रोटी बनाऊंगी। सतुआ भरा रोटी मतलब पूरी, बिहार साइड में उसे ब्राउन हो जाएगा, जब लाल हो जाएगा गोभी तो उसे निकालेंगे। उसके बाद अला और जीरा, धनिया, नमक, काली मिर्च, ये सब मसाले में डाल के बनाऊंगी आज टेस्टी सब्जी। अभी तो सर्दी का महीना है, इसलिए ठंड में तो गोभी का सीजन बहुत है ना, तो गोभी का सब्जी बनाने से एक अलग ही टेस्ट आता है। अब इसको ढक ढक के आप लाल करिए। और यहाँ पे मैं दलिया भी चढ़ा दे रही हूँ, ये मेरा सुबह का नाश्ता है। मैं सुबह सुबह दलिया खाती हूँ, ये सब मुझे अभी मैं सुबह अपने लिए दलिया बना लेती हूँ। इसे धो लेंगे, बाहर का रहता है तो इसे ऐसे डायरेक्ट मत नहीं बनाना चाहिए, इसलिए इसे पहले मैं धो लेती हूँ। अच्छा देखिए, धुल गया है मेरा दलिया। ओके, और इसे मैं गैस पे चढ़ा दूंगी, दो काम हो जाएगा। उसके बाद मैं आटा गूंद लूंगी, उसके बाद लिट्टी बनाने के लिए सतुआ कैसे बनाया जाता है वो मैं भी आपको बताऊंगी, वो सबका मसाला मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले मैं दलिया चढ़ा देती हूँ। यही हमारा छोटा सा किचन है, देखिए यहाँ पे मैं गोभी का सब्जी बना रही हूँ। गोभी का सब्जी के लिए मैंने यहाँ पे सब तैयार कर लिया है। अभी मसाला मैं इसमें कूटूंगी, मैं वो पीस के नहीं डालती हूँ, इसमें कूट लेती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे आलू ये सब रखा हुआ है, यहाँ पे गोभी फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पे मैं दलिया चढ़ा ली हूँ, यहाँ पे मैं दलिया चढ़ा ली हूँ। अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं देख लेती हूँ गोभी ब्राउन हुआ या नहीं, और उसके बाद मैं लिट्टी बनाने के लिए सतुआ तैयार करूँगी। ओके, आप लोग देखते रहिए। तो थोड़ा सा नमक एक कर दीजिएगा, तब जल्दी ब्राउन होगी। वो भी फ्राई करने के बाद मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। और ये दलिया बन रहा है, यहाँ पे दलिया बन रहा है। ओके फ्रेंड, ये देखिए इसमें कूट चुका है, ये मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए हमारा गोभी ब्राउन हो चुका है, देख रहे हो आप लोग, थोड़ा ब्राउन कर लेना है इसे, मतलब लाल कर लेना है। उसके बाद हम प्याज काटेंगे। आप अपना अकॉर्डिंग कितना आप प्याज रखते हैं, मैं तो एक ही रखूंगी, क्योंकि जितना गोभी में एक गोभी ली हूँ, एक बड़ा सा आलू ली हूँ, एक टमाटर ली हूँ और एक प्याज ली हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब मैं रख लूँगी। यहाँ पे देखिए मैं हमारे घर में तेज पत्ता कैसे रखा रहता है, ये रहा। अभी मैं यहाँ से
उसको ऐसे फाड़ लीजिए, थोड़ा सा ऑयल लगेगा और गोभी का सब्जी में थोड़ा सा तेल दीजिएगा, बहुत टेस्ट आएगा। उसके बाद मैं आलू फ्राई कर लूँगी और आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा जीरा का फोड़न दे दीजिएगा, फोड़न मतलब ऐसे मतलब चटका लीजिए, ये देखिए जीरा, जीरा का फोड़न दे दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने टमेटो और ये मतलब टमाटर और प्याज काट के रख लिया है, यहाँ पे आलू है। अभी मैं ये रखने के बाद आलू रखूँगी, उसके बाद गोभी मैंने फ्राई कर लिया है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पीस लिया है। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस, आगे क्या क्या डालना है मैं आपको पूरा रेसिपी दूँगी। उसके बाद मैं बना रही हूँ गोभी और आलू टमाटर का ये सब का सब्जी, और सब्जी और लिट्टी बनाऊँगी। अभी प्याज को हम लोग भून लेंगे। पहले मैं इसमें मसाला ऐड कर, अभी मैं यहाँ पे प्याज और टमाटर को लाल कर ले रही हूँ, बाद में सब्जी डालूँगी। आप देखो मैंने सब मसाला ले लिया, ये मिर्ची पाउडर है, फिर ये हल्दी पाउडर है, फिर ये धनिया पाउडर है, और ये मतलब ये गरम मसाला का पैकेट है, तो ये भी डालूँगी। ये डालने से एक टेस्ट अलग ही आता है एवरीडे का। उसके बाद मैं मसाला जा रही हूँ ऐड करने। अभी मैं यहाँ पे मसाला फ्राई कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैं मसाला फ्राई कर ले, जब ये इसमें से तेल छोड़ने लगेगा तब मैं ये सब सब्जी रखूँगी, ये सब जो सब्जी है वो तब मैं इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद मैं बाड़ी से जाके धनिया पत्ता तोड़ के बाद जाके धनिया पत्ता तोड़ूँगी। दलिया भी बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरा नाश्ता है सुबह सुबह का, मेरा ये डाइट है और मैं खाऊँगी, यही टेस्टी लगता है बहुत। आप देख रहे हो इसमें पूरा मसाला से तेल छूट गया है, देख रहे। गोभी आलू, आलू को मैंने नहीं फ्राई किया है, सिर्फ गोभी को मैंने फ्राई किया है। अब इसे मैं पूरा एक दूसरे से मिला ले रही हूँ और मैं पानी रख दूँगी। उसके बाद मैंने ये सतुआ ले लिया है और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन काट लिया है। इसके लिए भी नींबू लगेगा, नींबू भी तोड़ना होगा बाड़ी में जाके, क्योंकि अभी मेरे घर में अभी वो सब ख़त्म हो गया है, गाछ में लगा हुआ है, तो मैं इसमें पहले पानी ऐड कर दे रही हूँ। इसमें मैं पानी ऐड कर दी, जितने में आलू सीज जाना चाहिए, कितना पानी ऐड करिएगा कि आलू सीज जाए। उसके बाद अभी मैं चलिए मैं आप लोग को अपने बाड़ी में लेके चलती हूँ। चलिए फ्रेंड, मैं आपको अपना बाड़ी में लेके चलती हूँ। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, देखिए मेरा धनिया बाड़ी का, मुझे जब ज़रूरत लगता है तो मैं बाड़ी से जाके तोड़ लेती हूँ, देख रहे हो मैं तोड़ लिया, ये हमारा बाड़ी है, ये देखिए छोटा छोटा मटर का गाछ हुआ है, ये मटर का गाछ है, ये भी लगा हुआ है, देखिए ये साग है, देख रही है। अभी नींबू तोड़ने के लिए जा रहा है, देखिएगा मेरा नींबू फड़ा हुआ है, देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये देख रहे हो, ये देखिए कितना सारा लगा हुआ है, देखिए ये देखिए। अभी मैं एक छोटा सा तोड़ लूँगी नींबू, देखिए कितना लगा हुआ है, आप देख रहे हो, ये हमारा बाड़ी है, एक छोटा सा मैं तोड़ लूंगी, मैंने तोड़ लिया नींबू।
लीजिएगा। और ये देखिए मेरा नींबू तुड़ के लेके आई हूँ और धनिया पत्ता इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने सतुआ निकाल के रख लिया है, अभी सतुआ वाला लिट्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पे नींबू काट के इसमें रख दूँगी। थोड़ा टेंगा रखने से एक टेस्ट ही अलग आता है। देखिए पूरा मैं सब्जी का रेसिपी अभी मैं ये बनाने जा रही हूँ। ये देख लीजिए, ये मैं नींबू तोड़ के लाई हूँ बाड़ी से, वो मैंने काट लिया। अब यहाँ पे मैं इसे डाल दूँगी। इसमें टेंगा हो देख दिया मैंने, इसमें सब कुछ रख दिया है। अभी मैं इसे मिला रही हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। इसे पूरा मिलाइए, इसमें कच्चा मिर्ची है, अदरक है, लहसुन है, तेल है, नींबू है, अजवाइन है, ये सब पूरा हाथ में ऐसे होना चाहिए, तभी आप रोटी में भर पाइएगा। हो रहा है, अब इसे छोड़ दीजिए, इसे थोड़ा देर ही ऐसे ही मतलब सेट होने, इसे तोप के रख दूँगी। और यहाँ पे मेरा सब्जी भी अभी कंप्लीट होने वाला है, आप देख रहे हो मेरा सब्जी भी कंप्लीट ही होने वाला है, थोड़ा देर में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है, अभी मैं इसमें सतुआ भरूँगी। ये देखिए ऐसे कर लेना है, उसके बाद यहाँ से ऐसे इतना निकालिएगा सतुआ और इसमें ऐसे रख के और ऐसे इसको भर लेना है, अच्छी तरह भरिएगा कि फूटे ना। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कर देखिए, देखिए ऐसे ऐसे कर। अब मेरा तेल गरम हो चुका है, आप देख रहे हो यहाँ से निकल रहा है। इसमें मैं एक डाल दे रही हूँ छोटा सा, देखिए ये हमारा चूल्हा को दे देना चाहिए, अग्नि देवता को वो दे दिया जाता है। अब इसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा और इसमें ऐसे छोड़िएगा और थोड़ा सा लो फ्लेम करिएगा, फ्लेम थोड़ा लो। देखिए फिर ऐसे ही मैं दूसरा भी कर ले रही हूँ, प्रेस कर लेना है और उसको रख देना है। देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो फटक से पलट दीजिएगा। देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमारा सतुआ भरा लिट्टी इसको अभी निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ऐसे कर करके एक एक करके मैं सब निकाल लूँगी। हमारा खाना बनके तैयार हो गया, ये हमारा गोभी आलू का सब्जी, देखिए कितना यम्मी लग रहा है। ये मेरा सतुआ वाला पूरी।